हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। इकोनॉमी अपने खस्ता हाल स्थिति में 2016 से ही चल रही है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि ये जो खस्ता हाल स्थिति इकोनॉमी की है, बेसिकली वो जीडीपी साइक्लिक नेचर के कारण से है, जहां पर 13 क्वार्टर के दौरान में इकोनॉमी हमारी डिप्रेशन में रहती है और उसके बाद से इकोनॉमी एक जंप ले रही होती है। लेकिन इस खस्ताहाल स्थिति में ही कई सारे ऐसे एक्शंस ले लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गई, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, जिसके कारण से इकोनॉमी की स्थिति बद से बदतर हो गई। जो बची कुची असर थी उसे कोरोना वायरस ने आकर के और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कर दिया। कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन किया गया और इस लॉकडाउन के कारण से कई सारे सेक्टर्स बंद करने पड़े, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो लोअर सेक्शन को हुआ, साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को हुआ। इस एमएसएमई सेक्टर को और एक सही एक्शन देने के लिए और इनको इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्शन प्लान लेके आया, जिसको कि आत्मनिर्भर भारत प्लान के रूप में सामने लाया गया। इस आत्मनिर्भर प्लान के अलावा गवर्नमेंट ने कई सारे और भी पॉलिसी चेंजेस किए और इन पॉलिसी चेंजेस में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस एक नया चेंज आज गवर्नमेंट के द्वारा लेकर के आया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज माना जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चेंजेस के बारे में बात करेंगे, इस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है, किस सेक्टर में किया गया है और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करने पे आपको ये न्यूज सामने देखने को मिलेगी, जो इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड ऑफेंस, ये एक मेन न्यूज के रूप में सामने निकल के आएगी। इसके बारे में अगर डिटेल देखें तो देखिए, डिटेल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ये प्रपोज कर रही है कि जो चेक बाउंसिंग केसेस हैं या फिर इंडिविजुअल्स अंडर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट के अंतर्गत जितने भी लोग आ जाते हैं, या फिर आरबीआई एक्ट, चिट फंड एक्ट, सरफेसी एक्ट, इन एक्ट के तहत जितने भी ऑफेंसेस हुए हैं, बेसिकली उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है। अगर इस पूरे चेंजेस में देखें कि क्या कुछ प्रपोज किया गया है, तो बेसिकली लगभग 19 एक्ट्स हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, इसमें चेंजेस लेकर के आने की बात कही जा रही है। और इस तरीके के 19 एक्ट में जितने भी फाइनेंशियल ऑफेंसेस हैं, जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है। इसमें कुछ एक्ट के बारे में, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, जहां पर चेक बाउंसिंग को जो इकोनॉमिक ऑफेंस माना जाता था उसको अब डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इसके अंतर्गत भी जो ऑफेंसेस किए जाते थे उसको भी डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है। अगर देखिए कि गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट का कहना है, देखिए कुछ चीजें गलती से भी हो जाती हैं, जिसके लिए इकोनॉमिक ऑफेंस इकोनॉमिक ऑफेंडर बनाते हैं अगर, तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी, मतलब कि जुडिशियरी में पेंडेंसी ऑफ द केसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो भी रुक जा रही होती है। गवर्नमेंट ने इसे कहा है कि देखिए, इस तरीके के चेंजेस लाने के लिए हमें एक एक्सपर्ट ग्रुप की जरूरत है। एक्सपर्ट ग्रुप पहले एक हमें एक सजेशन दे कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिशियंस, से जितने भी एक्सपर्ट ग्रुप हैं, उन लोगों को बोला गया है कि आप 23 जून तक अपने कमेंट सेंड करिए, अपने बारे में बताइए कि आखिर में क्या करना चाहिए हमें। बेस्ड ऑन दैट कमेंट, बेस्ड ऑन दैट सजेशन, गवर्नमेंट फिर एक्शन ले रही होगी। अगर स्टेटमेंट के बारे में देखें तो देखिए, गवर्नमेंट ने बेसिकली 5 की प्रिंसिपल चेंजेस किए गए हैं, जिसमें एक किया गया है डिक्रीज इन द बर्डन ऑफ बिजनेस एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स। इस तरीके से इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आ सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जा सकती है, साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि नेशनल सिक्योरिटी हमेशा वो अपने पैरामाउंट इंपॉर्टेंस में बनी रहे। अगर इसके की ऑफेंसेस के बारे में बात करें तो इसमें कुछ की ऑफेंसेस हैं, इसके बारे में वन बाई वन करके अगर डिस्कस करें तो जैसे सबसे पहला जो एक्ट, सबसे पहली जो चेंजेस की गई है वो की गई है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट पहले चेंज की थी कि चेक बाउंस होने पे इकोनॉमिक ऑफेंस माना जाएगा और इस इकोनॉमिक ऑफेंस के तहत 2 साल की या फिर साथ ही साथ फाइन की भी पेनाल्टी दी जा रही होती थी, और इसमें जितना भी चेक का अमाउंट होता था उसकी
ट्वाइस मतलब उसका दुगना अमाउंट लिया जा रहा होता था एज अ पेनल्टी। तो इस तरीके से चेक बाउंस की जो कंडीशन है उसको टफ बना दिया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और ऑफेंस पे डीक्रिमिनलाइजेशन किया है, जैसे बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। इसके तहत जितने भी चिट फंड या पोंजी स्कीम चल रही होती थी इसमें गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई थी कि जो भी पोंजी स्कीम चल रही है, जो जनता का पैसा लेकर के भाग जा रही होती है या फिर उनकी कार्यवाही नहीं हो पाती है, उसके लिए कार्यवाही करने के लिए इस तरीके की स्कीम लाई गई थी, एक्ट लाया गया था। इस तरीके से जितने भी अनरेगुलेटेड या फिर फ्रॉडुलेंट डिफॉल्टर्स हुआ करते थे उन पर एक्शन लिया जाता था, जिसे अब डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है। इसमें चार्जेस के बारे में बात करें तो चार्जेस बेसिकली 10 साल तक का फाइन और साथ ही साथ 2,50,00,000 तक का फाइन की प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इसे डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा चिट फंड में चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कि 2 साल या फिर 5,000 तक का जिसमें इंप्रिजनमेंट दिया गया था। फिर आरबीआई एक्ट में चेंज करने की बात हो रही है, जहां पर जो पेनाल्टी थी वो 5 साल या फिर 25,00,000 तक का फाइन ये किया जा रहा है। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें, जितने भी चेंजेस किए गए हैं या जितने भी ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन है अगर ये किया जाता है तो उससे बेनिफिट क्या आ सकता है, तो बेनिफिट के तौर पे सबसे पहली तो बेनिफिट यही हो जाएगी कि जितने भी पेंडेंसी ऑफ द केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं या फिर प्रिजन हमारी जो भरी हुई है, जो जेलें भरी हुई हैं, वो खाली होंगी। और इस तरीके से जो इकोनॉमिक ऑफेंस है बेसिकली वो एक सिविल ऑफेंस के रूप में देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जा रही होगी, उसकी मेडिएशन की जा रही होगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे लगातार जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इसी चीज से डरे होते हैं कि क्या मैंने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस तो नहीं ना कर दिया। तो इससे होगा क्या कि जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर भी एक लोगों का या फिर कह लीजिए इन्वेस्टर्स का या जितने भी इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं उनका एक विश्वास बढ़ेगा, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कई सारे की इश्यूज हैं। सबसे पहले कि इट इज अ क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे पहले आते ही 2015, 2017 और 2018 में लगातार 3 बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अमेंड किया है और वापस से डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है। सिमिलरली अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट के अंतर्गत, जो कि बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था 16th लोकसभा गवर्नमेंट का, उसे भी चेंज करने की बात कही जा रही है। चिट फंड जो कि अगेन 2018-2019 में अमेंड किया गया था, सेम अगेन इसको भी चेंज करने की बात कही जा रही है। और आरबीआई एक्ट जो कि 17-18-19 तीन बार अमेंड किया गया है, उसमें भी फिर से डीक्रिमिनलाइजेशन की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो 2015 से लेकर के 19 तक एक्शंस ली हुई है अपने लास्ट टर्म में, उसको चेंज करने की बात कही जा रही है। यानी गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया था वो गलत लिए थे या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं लिए गए थे, इस वजह से अगेन एक इशू उठ जाता है गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर कि इस तरीके की इररिस्पॉन्सिबल काम कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा इशू उठता है जुडिशरी के ऊपर भी। जुडिशरी के ऊपर इशू उठने का मतलब यह है कि वो लोग जो इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है या उन पर एक्शंस लिए जा चुके हैं, क्या उनके साथ में ये इनजस्टिस नहीं होगी कि आगे जो लोग भी वही काम कर रहे हैं उनमें कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर का केस नहीं बन रहा है, लेकिन पुराने जो लोग किए हुए हैं, पुराने जो लोग इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में ट्रीट किए जा रहे हैं उन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट लगातार पॉलिसी चेंजेस कर रही है। पॉलिसी चेंजेस के कारण से जो इन्वेस्टर्स या जो एफडीआई या जो एफआईआई बाहर से आती है उस पर भी अगेन एक प्रॉब्लम सिचुएशन आ सकती है कि गवर्नमेंट लगातार अपने नॉर्म्स को चेंज कर रही है। आज लिबरल की है, कल फिर से टफ कर सकती है, परसों फिर भी कुछ और हो सकता है। तो अगेन यहां पर भी एक चेंजेस इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती हैं। तो ये थी हमारी पूरी आज की डिस्कशन, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई सजेशन होती है तो आप इन सोर्सेज का यूज कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।